पेपर वन और पेपर टू का फ्री में कोर्स करने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के साथ। अगर आपका पेपर टू पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो डेली वीडियो आ रहा है इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को देखिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपकी तैयारी फ्री में हो जाएगी, आपको कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको हमारा स्टडी भरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्री कोर्स का। आपको अगर डेली वीडियो और पीडीएफ लेक्चर भी चाहिए तो आप हमारा पेपर वन पेपर टू का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको डेली वीडियो और पीडीएफ मिलेगा, आपको लिखना जिसे नहीं पड़ेगा। और अगर आपको पेपर वन का कंप्लीट कोर्स पीडीएफ चाहिए या आपको घर बैठे बैठे स्टडी मटेरियल मंगवाना है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। फ्रेंड, हम लोग बात करते थे यूजीसी नेट दिसंबर 2019 की, और आपको जानकारी देने कि इसका फॉर्म भी आ चुका है और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो कृपया जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसके फॉर्म भी डाल दें। उसी क्रम में आज हम लोग जिन जैक रूसो और उनके राजनैतिक विचार की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो एक राजनैतिक परंपरा रही मध्यकालीन युग के टाइम की। उसी परंपरा में हॉब्स, लॉक को हम लोगों ने पढ़ लिया, रूसो को आज पढ़ेंगे। और रूसो के विचार फ्रांस की क्रांति की प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे। तो रूसो का विचार फ्रांस की क्रांतियों पर पड़ा, और रूसो ने व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद और लोकतंत्र संबंधी विचारों आदि को सम्मिलित रूप से देखने को मिलता है, और इसमें सारे में दर्शन दिया। और इसकी सबसे जो उल्लेखनीय और सबसे जो स्पष्ट चर्चित किताब है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जिसमें इसने जनरल विल की बात करी है, सामान्य इच्छा की बात करी है। और रूसो सबसे ज़्यादा अगर किसी कार्य के लिए प्रचलित था तो अपने इसी सिद्धांत के लिए, जनरल विल या सामान्य इच्छा के लिए। वाहन ने रूसो की तुलना अरस्तु से करी है, और अरस्तु की पॉलिटिक्स के बाद वाहन का मानना है कि अरस्तु की पॉलिटिक्स के बाद रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही राज दर्शन पर लिखी गई सबसे मौलिक किताब है। और रूसो को स्वतंत्रता व लोकतंत्र का अग्रदूत कहता है वाहन। प्रमुख रचनाएं इसकी डिस्कोर्सेज ऑन द मायरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स, सोशल कन्वेक्ट, राजदर्शन संबंधी विचार, लेटर्स दी ला माउंटेन, दी इमाइल, कन्फेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्सिया, राइट्स ऑफ सेंट पियरे, इस तरह तमाम रचनाएँ जो है रूसो की रहीं। रूसो ने जो है प्रमुख राजनैतिक विचार जो रहा रूसो का, वो जो है अत्यधिक नैतिक रहा। और रूसो ने हरदम समाज को एक अच्छे समाज के रूप में एक आदर्शवादी दृष्टिकोण से और नैतिक व्यक्तित्व की बात करता है। रूसो का जो समाज है बड़ा नैतिक है, बड़ा पुनीत है, इसी की व्याख्या रूसो करता है। और इस व्याख्या के अंतर्गत उसने मानव स्वभाव पर बात करी, और मानव स्वभाव को एक सज्जन, सीधा और भोला मनुष्य कहा, जो बड़ा ही संयमी है, जो प्रकृति के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है और उसका स्वभाव बड़ा ही अच्छा है। संसार में जब निजी संपत्ति का उदय हुआ, संपदाओं का उदय हुआ, संस्थाओं का उदय हुआ, तो मनुष्य वहाँ बुरा बना, ऐसा मानना रूसो का है। और अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए रूसो ने मानव स्वभाव की दो मौलिक नियमित प्रवृत्तियाँ बताया कि मानव स्वभाव के निर्माण में सहायक जो प्रथम प्रवृत्ति है वो आत्मप्रेम तथा आत्मरक्षा की भावना होती है, जिसके अभाव में वह कभी भी अपने आप को नष्ट कर सकता है, कभी भी अपने विचारों को बदल सकता है। और इसी भावना में दो तरह की बातें होती हैं, एक सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक होती है। जब वो सकारात्मक भावना में रहता है तो सहानुभूत में रहता है, जब वो नकारात्मक भावना में रहता है तो विरोध में रहता है। और इन्हीं गुणों से संपूर्ण जीवधारी या सृष्टि का की रचना होती है, और यही गुण सब में सामान्य है, जो सब में पाए जाते हैं, ऐसा मानना रूसो का है। रूसो ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया, प्राकृतिक अवस्था एक मुक्त व्यवहारपूर्ण अवस्था थी, किसी को भी किसी प्रकार का कोई कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अर्थात रूसो का ये मानना है कि जो समाज था वो आदर्श था, और लेकिन साथ में बर्बर था। बर्बर इन द सेंस कि कोई व्यवस्था नहीं थी समाज के रूल रेगुलेशन को चलाने के लिए, इसलिए रूसो ने इसको बर्बर और आदर्श बर्बर समाज के नाम से जाना, नोबेल सेबस के नाम से जाना। और मनुष्य एवं भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था, एक छोटे बच्चे की भांति
ऐसा मानना रूसो का रहा, और रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में ये बताया कि लोग नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त थे, उन्हें स्वार्थ अपना और पराया कुछ भी नहीं पता था, बौद्धिकता के अभाव में थे लोग, और अवस्था अनैतिक और सद्गुणी माना जा सकता था। लोगों को क्रम और नैतिकता का अंतर नहीं पता था और इसलिए वो सादा जीवन व्यतीत करते थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रूसो ने यह कहा कि लोगों ने सामाजिक समझौता किया, और ये सामाजिक समझौते में लोग ये कहें कि मैं अपने ऊपर शासन करने का सारा अधिकार इस संस्था या इस व्यक्ति को दूंगा, और अपने सारे लाभ हान द्वेष राग को त्याग कर इस पे इसको अधिकार दिया, और आप भी अधिकार अपना इसी को दे दो। तो इस तरह रूसो के समाज में संपत्ति ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को परतंत्रता में बदल दिया। चूँकि संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ, रूसो का तो यहाँ तक मानना था कि राज्य के निर्माण में वह व्यक्ति का योगदान सर्वाधिक है जिसने जमीन का वो पहला टुकड़ा घेर लिया और कहा कि ये मेरा है, और वहीं से संपत्ति का उदय हुआ, और संपत्ति के उदय से मनुष्य स्वार्थी लोभी और एकांकी हो गया। अब रूसो का राज्य से संबंधित दृश्य जो करता है, जिस दृश्य की रूसो कल्पना करता है उसकी बात करते हैं फ्रेंड, तो रूसो युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए एक सामाजिक समझौते की कल्पना किया था, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार का समर्पण समाज के लिए करता है, वह एक दूसरे की रक्षा का वादा करता है, और समाज भी सारे लोगों की रक्षा का वादा करता है, और यही वादा, यही एक दूसरे का जो समर्पण है, इसे सामाजिक समझौता कहा, और सामाजिक समझौते द्वारा जो निर्मित राज्य है उसे रूसो ने सामान्य इच्छा कहा, जनरल विल कहा। अब सवाल उठता है कि संप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में होती है, सभी व्यक्ति उसके अधीन रहते हुए कार्य करते हैं, तो प्रत्येक नागरिक का संप्रभुता में एक भाग होता है, अर्थात संप्रभुता का निवास रूसो के अनुसार व्यक्ति में है, नागरिक में है। अब इसकी विशेषता क्या रही कि ये समान समर्पण समानता की मांग करता है, निजी व्यक्तित्व के स्थान पर सामूहिक व्यक्तित्व की स्थापना की मांग करता है, वास्तविक रूप में स्वतंत्रता दृष्टिगोचर होती है, व्यक्ति का स्थान समष्टि अर्थात इंडिविजुअल का स्थान सामान्य इच्छा जनरल बिल ने ले लिया, किसी प्रकार की सरकार की स्थापना न होकर एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की ही स्थापना रूसो कर दिया, सामाजिक समझौता निरंतर चलेगा, ये समझौता कोई एक पीढ़ी करके ख़त्म नहीं होगी, आगे आने वाली पीढ़ी भी समझौते को रिन्यूअल करेगी। इस प्रकार राज्य का सावयव राज्य के रूप में उदय, अर्थात कृत्रिम राज्य के रूप में राज्य का उदय हुआ। जायज सी बात है, राजनीति में आलोचना अवश्यंभावी है रूसो के इस विचार की आलोचना की, और 17वीं-18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत लोकप्रिय रहा। रूसो की मृत्यु के बाद इसका पतन हो गया, बेंथम, सर फ्रेडरिक पोलैक, वाहन, एडमंड बर्क आदि ने इसकी कटु आलोचना की, और प्राकृतिक अवस्था की धारणा को ही काल्पनिक बताया, मानव स्वभाव की बात करी कि मानव स्वभाव का रूसो ने जो आकलन किया है गलत किया है, राज्य समझौते से नहीं होगा, व्यक्ति की सामान्य इच्छा निरंकुशता में बदल जाएगी, व्यक्ति की दोहरी स्थिति बड़े ही हास्यास्पद है, विवादास्पद, इस तरह तमाम आलोचनाएँ रूसो की इन विचारकों ने करी। खैर, रूसो की प्रासंगिकता बनी रही। रूसो के शासन संबंधी विचार क्या रहे इसको देखते हैं, तो रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित समाज जिसमें सामान्य इच्छा का वास होता है राज्य है, जबकि शासन अथवा सरकार केवल वह व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह है जिसमें समाज द्वारा यह अधिकार दिया जाना है कि वह संप्रभु की इच्छा का पूर्ण करे, अर्थात कि समाज जिस व्यक्ति के साथ जिस संस्था के साथ समझौता करता है और उसको इस बात का अधिकार देता है कि हम अपने सारे अधिकारों का परित्याग करते हैं लेकिन इन अधिकारों की रक्षा तुम करोगे, जिस सोसाइटी की बात करता है वही सोसाइटी रूसो का शासन संबंधी विचार है। रूसो ने शासन का भी वर्गीकरण किया और उस वर्गीकरण में रूसो ने चार प्रकार के शासन प्रणाली की बात कही और इसी चारों को माना है रूसो ने, एक राजतंत्र की बात करता है, फिर कुलीन तंत्र की बात करता है, फिर प्रजातंत्र की बात करता है और फिर मिश्रित शासन की बात करता है, और प्रत्येक लोकतंत्र के समर्थक व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरोधी हैं रूसो।
जबकि रूसो खुद भी कुलीन तंत्र को श्रेष्ठ मानता है क्योंकि उसने कुलीन तंत्र के तीन प्रकार माने हैं, प्राकृतिक, वंशानुगत और निर्वाचनात्मक, और निर्वाचन कुलीन तंत्र को वो सर्वोत्तम शासन मानता अर्थात रूसो कुलीन तंत्र का समर्थक था। रूसो ने कानून संबंधी विचार दिया और कानून का स्रोत सामान्य इच्छा जनरल विल को माना और कानून को चार भागों में विभाजित किया, संवैधानिक कानून, फौजदारी कानून, दीवानी कानून और परंपरागत कानून। इसके बाद रूसो ने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए और रूसो की स्वतंत्रता को का मसीहा भी कहा जाता है। उसके स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना कार्य करना नहीं बल्कि सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानून का पालन करना अर्थात विधि के शासन की बात रूसो कहता है। और रूसो ने स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया अर्थात आपकी स्वतंत्रता वहीं तक बंधी है जहां तक आपकी स्वतंत्रता से दूसरे की परतंत्रता प्रारंभ न हो। आप सामान्य इच्छा के दायरे में रह के, सामान्य इच्छा के कानून में रह के जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं वहाँ तक आपकी स्वतंत्रता उचित है। अब हाब्स से रूसो की तुलना करें, ये छोटा सा एक टॉपिक है, मैं आपको बता दूं कि हाब्स ने यांत्रिक राज्य की स्थापना की जबकि रूसो ने एक आंगिक राज्य की बात कही। हाब्स का राज्य केवल शक्ति पर आधारित है जबकि रूसो का न्याय व नैतिकता पर। हाब्स का संप्रभु एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह है जबकि रूसो का समस्त जन समुदाय अर्थात रूसो ने जनता में संप्रभु का निवास बताया है। हाब्स का संप्रभु विधि निर्माता, कार्यपालक और न्यायाधीश सभी स्वयं है परंतु रूसो का संप्रभु सिर्फ विधि का निर्माता है। हाब्स सब अधिकारों के समर्पण के मात्र आत्मसुरक्षा प्राप्त करता है जबकि रूसो कोई अधिकार नहीं खोता, अधिकारों का पूर्ण समर्पण अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में बदल जाती है अर्थात जनरल बिल को हम देते हैं और जनरल बिल हमको देता है। हाब्स ने संप्रभु पर किसी का अंकुश नहीं होता जबकि रूसो की सामान्य इच्छा का न्यायपूर्ण और नैतिक होना आवश्यक है अर्थात सार्वजनिक कल्याण का परम उद्देश्य है। रूसो का राज्य भी निरंकुशता की दृष्टि से हाब्स जैसा है किंतु जहाँ हाब्स की निरंकुशता प्रभुसत्ता राजा की स्वेच्छाचारिता का पोषण करती वहाँ रूसो की सामान्य इच्छा जनता में की प्रभुसत्ता का प्रतीक है। रूसो की सामान्य इच्छा दो तरह की थी, पहली रूसो ने सामाजिक सिद्धांत के आधार पर जिस सामान्य इच्छा की बात करी उसमें पहली इच्छा है यथार्थ इच्छा और दूसरी इच्छा है आदर्श इच्छा। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान व भावना प्रधान होती है अर्थात संकुचित मानसिकता वाले, और आदर्श इच्छा वह व्यक्ति की बौद्धिक चिंतन का परिणाम है और वैयक्तिक तो स्वार्थ से रहित अर्थात निजी स्वार्थों से दूर होके, निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के इस इच्छा की बात रूसो करता है। और यही इच्छा जब दोनों इच्छाएं सम्मिलित हो जाती हैं तो सम्मिलित होके जो एक सकारात्मक नई व्यवस्था निकलती है उसी व्यवस्था को सामान्य इच्छा का अर्थात रूसो के अनुसार व्यक्ति की जो भावना प्रधान इच्छा की बहुलता रहती है, जब भावना प्रधान इच्छा स्वार्थ और संकीर्णता के घेरे से बाहर निकलकर परमार्थ और उदारता के घेरे में प्रवेश करती हो तो सामान्य इच्छा की परिधि में आ जाती है अर्थात सर्व कल्याण की जो इच्छा है वही सामान्य इच्छा है। समाज के विभिन्न व्यक्तियों के आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है। रूसो की मान्यता कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है, व्यक्तियों में से आनी चाहिए वह सब पर लागू होनी चाहिए अर्थात हर व्यक्ति की भलाई। ग्रीन ने इसे सामान्य हित की सामान्य चेतना कहा। वेबर ने सामान्य इच्छा नागरिक की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सबकी भलाई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। इस तरह अनेक विचारकों ने अनेक तरह सामान्य इच्छा की परिकल्पना की है, सामान्य इच्छा रूसो की सामान्य इच्छा की प्रशंसा की है। सामान्य इच्छा का निर्माण जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थी और सामाजिक इच्छाओं में प्रायः विरोध होता रहता है और जब स्वार्थी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तब सामाजिक इच्छाएं शेष रहती हैं और सभी व्यक्तियों की इन्हीं सामाजिक इच्छाओं के मिश्रण से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा की विशेषता अखंडता अर्थात ये खंडित नहीं होती, संप्रभुता अर्थात सामान्य इच्छा सर्वोच्च है और संप्रभु, अध्येयता ये किसी को दे नहीं सकते, अप्रतिनिधित्व इसका कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता, अचूक
यह हमेशा सर्वसम्मत है और न्याय संगत है, इसमें किसी बात का विरोध नहीं किया जा सकता। अस्थाई अर्थात सामान इच्छा अस्थाई एवं शाश्वत, इच्छा भावनाओं या उत्तेजनाओं से परे है, ये किसी भावना और उत्तेजना में अपने को परिवर्तन नहीं करते, अर्थात ज्ञान और विवेक पर आधारित होने के कारण इसमें स्थिरता है। रूसो के शब्दों में ये कहा कि इसका कभी अंत नहीं होगा, यह कभी नष्ट नहीं होती है, कानून द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है, लोक कल्याणकारी है, सामान्य इच्छा सर्वोच्च और निरंकुश भी हो सकती है। औचित्य क्या है कि सामान्य इच्छा सदैव शुभ उचित व कल्याणकारी होती है और सदैव जनहित को लेकर चलती है, और यह इच्छा सबकी श्रेष्ठ इच्छा है क्योंकि यह सबके आदर्श इच्छाओं का योग है। एक चीज़ ध्यान रहे मित्रों कि रूसो की सामान्य इच्छा सबकी आदर्श इच्छाओं की योग है, बल्कि स्वार्थपरक इच्छाओं की योग नहीं है। सामान्य इच्छा रूसो के अनुसार बहुमत से भिन्न है। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति में संख्या का कोई मूल्य नहीं है। अब मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे अगर किसी बहुमत की इच्छा गलत है, स्वार्थपरक है, तो वो सामान्य इच्छा नहीं हो सकती। अगर अल्पमत की इच्छा समाज की भलाई की बात करती है, समाज के अच्छे आदर्श की बात करती है, तो वह सामान्य इच्छा होगी। अर्थात रूसो की सामान्य इच्छा में बहुमत का कोई योगदान नहीं है और सामान्य इच्छा सर्वसम्मत है, और इसमें प्रथम का लक्ष्य सार्वजनिक हित होता है जबकि दूसरे का लक्ष्य व्यक्तिगत होता है और सामान्य व्यक्तियों के हितों से भी संबंधित हो सकते, पर सामान्य इच्छा अनिवार्यतः समस्त समाज के कल्याण के से ही संबंध होगी, अर्थात स्वार्थपरता से परे है। सामान्य इच्छा का लोकमत क्या है? लोकमत कभी कभी सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे आप देखे होंगे संचार या प्रचार के माध्यमों से एक अच्छे विचार लोगों तक पहुंचते हैं और जिनसे लोगों की मानसिकताएं बदलती हैं, लोगों की धारणाएं बदलती हैं और लोग सामान्य इच्छा की तरफ प्रेरित होते हैं, तो वही ये रूसो की सामान्य इच्छा है। अब रूसो की सामान्य इच्छा की निर्विवाद नहीं रही, इसकी भी आलोचना हुई, और आलोचना के क्रम में सामान्य तौर पर यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है, फिर भी वाल्टेयर ने इसकी रूसो को नीम हकीम, जंगली हूँ, उल्लू, स्वीसवासी, चाकर, डेनोजीस, कुत्ते तथा हिरोस्टेज की कुत्तियों की दोगली संतान, क्या क्या नहीं कहा। तो आलोचना हुई और इस आलोचना में जो सब वाल्टेयर ने कहा उसके साथ कुछ और भी आलोचनाएं रहीं। उसने पहला इसने ये कहा कि एक और रूसो ने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ, दूसरी तरफ वो कहता है व्यक्ति को सामान्य इच्छा का पालन करना चाहिए, ये विरोधाभास है, विद्वानों ने इसे छू एवं अस्पष्ट माना है। रूसो की सामान्य इच्छा प्रभुत्वकार विधि निर्माण और शासन तंत्र की नियुक्त और उसके भंग करता है। इस सिद्धांत रूसो व्यक्तिवादी स्वार्थ की अपेक्षा सामान्य हित को उभरने की महत्वपूर्ण कार्य किया, इस तरह का की आलोचना की गई। सामान्य इच्छा अनैतिक है और काल्पनिक है, यथार्थ और आदर्श में काल्पनिक भेद किया है, निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है। डाइस ने कहा कि इस डाइस ने के शब्दों में कहें तो रूसो सामान्य इच्छा के आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन करता हुआ दिखता है। वाहन ने रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत हाब्स की सिरविहीन लेवियाथन बता दिया। इस तरह सार्वजनिक हित की परिभाषा करना कठिन है, ये भी आलोचना में कहा गया। प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र को सामान्य इच्छा सिद्धांत कदापि लागू नहीं होता, चूँकि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ही बात करता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र रूसो समर्थक था, तो कहीं ना कहीं वो विरोधाभास की भी बात हो जा रही, इसलिए इसकी आलोचना की गई। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, इसका महत्व जो है उसकी बात करते हैं दोस्तों। सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो लोकतंत्र का पोषक है, क्योंकि वो संप्रभुता का आधार जनसुकृत मानता है। राज्य का उद्देश्य वर्ग विशेष का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण का है, और रूसो ने आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादन, क्योंकि वह राज्य पर आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा शक्ति मानता है, एवं सिद्धांत सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है, और यह सिद्धांत घोषित करता है कि राज्य कृत्रिम न होकर एक स्वाभाविक संस्था है। अर्थात रूसो ने सामान्य इच्छा के थ्रू जिस समाज की कल्पना की, जिस राज्य की कल्पना की, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं न कहीं जो है बढ़ावा देता है, और लोकतंत्र की आत्मा नहीं होती लेकिन नैतिक न्याय और सद्गुण के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं महत्वहीन हैं, और राजनैतिक चिंतन के इतिहास में ही नहीं बल्कि
व्यवहारिक राजनीति में भी रूसों की सामान्य इच्छा के सिद्धांत को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने लोकतंत्र का समर्थन किया और जो सामान्य इच्छा की बात करी है उस सामान्य जात में सबके भलाई की बात करी, इसलिए लोकतंत्र का अभिभाव कर कल्याणकारी राज्य का उत्प्रेरक भी रहा रूसो। रूसो के राजनीतिक जगत पर जो प्रभाव पड़े वो मूल्यांकन के संबंध में आलोचकों की चूँकि भिन्न भिन्न राय है, लेकिन वेपर लास्की ग्रीन ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और उसकी तुलना अरस्तु और प्लेटो से कही। वाल्टेयर मार्ले बर्क ने इसकी आलोचना की। तो कुल मिला के राजनीति पे जो इसका प्रभाव पड़ा वो सकारात्मक रहा और जीडीएच कोल ने रूसो को राजदर्शन का पिता कह डाला और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को राजदर्शन की दृष्टि से महानतम ग्रंथ बताया, अर्थात रूसो का राजनैतिक प्रभाव सकारात्मक रहा। रूसो का विचार के रूप में अगर बात करें तो रूसो एक विचारक था। फ्रांस की पाठ्य पुस्तकों के रूप में उसे ग्रंथ बहुत मान्य हैं और फ्रांस व अमेरिका की क्रांति में प्रेरणा स्रोत उसके विचार थे। उसके ग्रंथों से लोगों ने प्रेरणा लेके और फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांतियां कर डाली और जिसके परिणाम अच्छे रहे। तो अगर रूसो की बातों को विरोधाभासों को एक तरफ करके हम एक सामान्य व्यू पे पहुँचें तो रूसो आदर्श का सूचक रहा, जो राजनैतिक आदर्शवाद का सूचक था, दर्शन का सूचक था। कांट का नैतिक दर्शन एवं हीगल का सद विषय दर्शन रूसो की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित है। सामान्य इच्छे के सिद्धांत का जनक था। संप्रभुता के सिद्धांत का नया रूप अर्थात संप्रभुता को व्यक्ति में स्थान दिया, सर्वसम्मत में स्थान दिया और संप्रभुता का अधिकार किसी राजा में न स्थापित करके लोकतंत्र में स्थापित करने का प्रयास किया और संप्रभुता व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार रही। प्रजातंत्र का समर्थक रहा क्योंकि राज्य समझौते पर आधार बनाता है और जब आधार समझौता हो गया राज्य का तो प्रजातंत्र हो गया। राष्ट्रवाद के प्रेरणा स्रोत के रूप में रहा। राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं था परंतु राष्ट्रवाद को उसके दर्शन से प्रेरणा अवश्य मिलती है। एक महान दार्शनिक था रूसो और उसकी अदूरदर्शिता और कुशलता इस बात में नहीं थी कि उसने संप्रभुता को सुरक्षित रखने का सुझाव दिया था। अगर इसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं मित्र तो स्पष्ट रूप से रूसो के दर्शन में आधुनिक काल की सभी प्रमुख विचारधाराएं समाजवाद, अधिनायकवाद, व्यक्तिवाद, निरंकुशवाद, लोकतंत्र के बीज मिलते हैं। जर्मन और ब्रिटिश आदर्श का तो ये अग्रदूत ही है और फ्रांस की क्रांति का प्रेरणा स्रोत अमेरिका नवन संविधानों में आरंभ के शब्द हम लोग रूसों की आवाज़ हैं। हम लोग जो है जो अमेरिकी संविधान या भारत के भी संविधान में जो वर्ड प्रयोग है कि हम भारत के लोग, ये रूसों की आवाज़ है और रूसों का उद्देश्य सत्ता व स्वतंत्रता का तालमेल स्थापित करना था। तो रूसों के बाद तानाशाहों ने रूसों का दुरुपयोग किया जिन्होंने जनता के हित की दुहाई देते हुए अनुशासन, शांति और व्यवस्था आदि के नाम पर अपनी इच्छा को सामान्य इच्छा में बताते हुए नागरिकों के अधिकार को समेटकर अपनी शक्ति की भूख मिटाई। अतः वह जनता की राजनैतिक शक्ति का अंतिम स्रोत समझा और रूसो की प्रासंगिकता आज की राजनीति में बनी है। रूसो ने राज्य एवं सामाजिक संस्थाओं के रूप में प्रभावशाली राजनैतिक क्षेत्र में अतिरिक्त शिक्षा, साहित्य तथा धर्म के क्षेत्र में आंशिक रूप से पढ़ा है, अतः इसे आधुनिक प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है। तो रूसो के दर्शन में आधुनिक राजनीति देखने को मिलती है और रूसो इसका बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा। तो मित्रों इसी के साथ हम रूसो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।